हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा यूजी एंड पीजी के जो एग्जाम्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब इस पर्टिकुलर नोटिस के अंदर क्या लिखा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिस निकाला गया था, इसके अंदर किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं ये नोटिस पढ़ना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हाइलाइट्स पॉइंट्स को पढ़ूंगा जो जो मैंने मार्क किए हुए। मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ूंगा। जो भी आप, अगर आपको पढ़ना है पूरा नोटिस, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। मैं आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसमें बात लिखी है वही बात करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये लिखा हुआ है, गाइडलाइन पॉलिसी रिलेटेड विद द ग्रेडिंग रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म्स ईयर स्टूडेंट फॉर द अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड पीजी प्रोग्राम ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसी वेब सोल इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी या फिर पीजी के फॉर सेकेंड सेमेस्टर के लिए, सबके लिए, चाहे वो सोल से हो, चाहे वो एनसी वेब से हो, या फिर वो रेगुलर कॉलेज से हो, ये सबके लिए नोटिस आया हुआ है। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर ये रेगुलर के लिए तो नहीं है, ये रेगुलर के लिए भी है, इसमें मेंशन है। सेकेंड, इसमें जो हाईलाइट पॉइंट ये लिखा हुआ है, जो आपके मतलब ओपन बुक एग्जाम होने वाले थे, कंडक्ट होने वाले थे अगस्त के अंदर, वो अगस्त के अंदर कंडक्ट नहीं होंगे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, कंफर्म हो चुका है। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। आपके ओबीई एग्जाम भी कंडक्ट नहीं होंगे, इस मीन्स आपके एबीई होंगे, असाइनमेंट बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो कि काफी अच्छा लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर द ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट 50% ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन। 50% आपका असाइनमेंट जो आपका एबी मोड है वो कंडक्ट किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज फैकल्टी सेंटर व्हेनेवर एप्लीकेबल एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर ईयर टर्म ओनली अकेडमिक सेशन 2020-2021। इट मींस इसमें ये बोला हुआ है कि 50% आपके इस टर्म में से मार्क्स लिए जाएंगे। इस टर्म मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे, राइट। सो 50% आपका ये पार्ट लिया जाएगा और 50% आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पार्ट लिया जाएगा। जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उसमें से 50% वहां से लेंगे, 50% इस सेमेस्टर लेंगे, दोनों को मिला के आपके सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपका डाउट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, जो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जिस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिए प्रीवियस, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ एग्जाम्स रह गए हैं, तो उन्हें क्या होगा। फॉर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर हैविंग नो प्रीवियस परफॉर्मेंस, दैट मीन्स हैविंग नो मार्क्स इन प्रीवियस सेमेस्टर टर्म ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम शैल बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50% असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन इंटरनल प्लस 50% ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। इट मीन्स अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो उसका कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस टर्म के लिए आपको असाइनमेंट प्लस आपके इंटरनल, जो भी आपके दोनों में से कुछ भी हो, उस पे मार्क्स होंगे 50%, और 50% आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम का पिछले साल कोई ना कोई असाइनमेंट सबमिट किया होगा या फिर कुछ आपने इंटरनल दिया होगा, तो उस बेस पे मार्क्स सबमिट होंगे, राइट। ये बात आप समझ रहे हो, मतलब लास्ट ईयर में आपने कोई ना कोई असाइनमेंट दिया होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम का, जो कि आप एग्जाम नहीं दे पाए हो, उसमें से लिए जाएंगे, और 50% आपके इस बार में से लिए जाएंगे जो आप असाइनमेंट दोगे। अब यहाँ पे बात क्लियर होती है कि जो आपका ये नोटिस है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे एनसी वेब। मैं आपको बताता हूँ, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एनुअल सेमेस्टर मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूजी स्टूडेंट्स विद रेफरेंस टू स्टूडेंट्स ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड एनसी वेब। मतलब ये जो प्रोसीजर निकाला गया है ये सभी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे फर्स्ट ईयर के, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट्स हो चाहे वो पीजी का स्टूडेंट। अब मैं गाइस आपको बता देता हूँ, जो आपके असाइनमेंट होंगे, जो उसके क्वेश्चंस होंगे, आपको ईमेल किए जाएंगे। इसमें ये मेंशन है कि आपको ईमेल किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, एनसी वेब सोल वगैरह के, और वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे अपने कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ये दिया हुआ है, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हो सेकेंड सेमेस्टर के लिए, देन आप री एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आप री एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर जो भी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसमें आप री एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो। नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के अंदर जो मई जून के एग्जाम होते हैं सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, अगर आपने मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई इशू नहीं आता है, अप्लाई कर सकते हो। जो
जो आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं होता है कि आपने मतलब दोबारा एग्जाम दिया, तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें जो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं वो ही काउंट किए जाते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप अप्लाई कर सकते हो। गाइस मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जो भी नोटिस था इसके अंदर, आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, और कुछ भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना या फिर कमेंट करना, डेफिनेटली यार कमेंट करना। और इंस्टाग्राम तो आपके लिए सबके लिए खुला हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये इस वीडियो में इतना ही रखता है, अगर आपको ये नोटिस अच्छे से समझ आ गया हो, कुछ दिक्कत हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस गुड न्यूज़ के लिए यार वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।